हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑल न्यू व्लॉग। और आज हम कहाँ हैं? आईफल टावर मेरठ का, मतलब ये हमारे यहाँ का मेरठ प्राचीन, क्या है ये, म्यूजियम, प्राचीन म्यूजियम। तो अब शहीदों के लिए, शहीदों का म्यूजियम है, तो हम दिखाते हैं शहीदों को समर्पित करते हुए यहाँ पर म्यूजियम बनाया हुआ है। और तेरा नाम क्या है भाई? अर्पित नाम है इसका, नाम अर्पित है। कानपुर, ये कौन है भाई? अच्छा, रेवोल्यूशनरी अजीमुल्ला खान, हु वॉज वन ऑफ द प्राइम सपोर्टर ऑफ एज वेल एज कमांड कॉमरेड इन आर्म ऑफ नाना साहेब। ये देखो एक्शन सिटी ऑफ कानपुर 1857। आ जा इधर को, आ जा। वो ये वाली बिल्डिंग कहाँ है? बेगम कोठी इधर है यो? इल स्टैंड फॉर्म ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वॉल्यूम वॉल्यूम बेगम कोठी जी डब्ल्यू फॉरेस्ट देखा वध की बेगम, ये है वो बेगम महल। जानता है तू? हाँ, हिस्ट्री में है सब के बारे में भाई, बहुत दिल्ली पढ़ना है। तो अभी हम अंदर होकर आए और शायद कुछ क्लिप्स आपको दिखी होंगी, अच्छी क्लिप्स हैं, हमारे मेरठ का इतिहास है। मज़ा आया देख के, पता भी नहीं था। और मैं मेरठ में 20 साल से रह रहा हूँ, और 20 क्या जन्म से रह रहा हूँ भाई, 23 साल का हूँ, 23 साल से रह रहा हूँ, और पता ही नहीं था कि यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। वो तो गाइस यहाँ पर एंट्री नहीं थी, पर हम यहाँ पर गए और फिर भी हमने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली।
आपके लिए हम कमीने आए हैं, उन्होंने मना करी थी। देखो गाइस, इतिहास के लिए हम कुछ भी कर, हम इतिहासकार हमारे मर मिटे तो हम भी मर मिटे, शहीद हुए हमारे देश के, शहीद हुए, तो इतना रिक्स तो हम ले ही सकते थे अपने इतिहासकारों के लिए। बिल्कुल आप रिक्स नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे रिक्स। इस पे तो अब आप इस पे चढ़ जाओ, रिक्स लेके आप इस पे चढ़ जाओगे? नहीं अभी चढ़ेंगे नहीं, एक फोटो ले मेरा। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे कुछ बच्चों के झूले भी हैं, ये भी दिखाते हैं आपको। चला झूले दिखाते हैं आपको, अखंड ज्योति, यहाँ पे झूले हैं, ये भी जहाँ ज्योत जल रही है पूरी चल रही है, ज्योति है चलती रहती है। हाँ जल्दी रहती है, चलते ये वाला झूला चला के, ये वाला झूला चला दे, इससे क्या तेरा पेट कम हो जाएगा इससे है भाई। ये क्या बना दिया, इधर मैं चलाऊंगा इधर। ये क्या है भाई, ये कुछ ज्यादा बीमारों के लिए। हाँ अदूज कर, दूसरी पाजा आओ, इस वाली पा रही हम, ये दो जने की है शायद, ये इधर आ गए, ये तो लेग प्रेस है सर, ये लेग प्रेस है। हाँ ये लेग प्रेस करते हुए वासु, दूसरी आ जाओ, नेक्स्ट बच्चे के साथ यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज करूँ। ये है बेली फैट के लिए। हेलो, मजा आता है इसमें सेकंड में। नेक्स्ट ये हाथों की एक्सरसाइज करो, इसे भी करो, ये हाथों की मूवमेंट, कंधों की मूवमेंट बढ़ाता। इसको हम दिखाएंगे, इस पर तुम ये कर सकते, जब ट्रेडमिल नहीं होता ना तब ये करते हैं। देख मैं तुझे चल के दिखता, ये देखो देख रहे हैं। काफी अच्छा है ये वाली सही, काफी एंटरटेनमेंट लगा मुझे ये, इसमें ये वाली सही थी। ये वाली ये क्या है, ये भी उन्हें दिखाओ, ये एप्स की है। ओ ये तो लेट किया है, वाओ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 आज हमारी कसरत हो गई, करे 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 के दिखाए, गाइस आज हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज कंप्लीट हुआ, और ये आज की सेल्फी, रुक जा सेल्फी दिखाइए, अभी और भी है, अभी और भी है, तो एक और ले लीजिए, ये करिए, ओ 1 2, बस बहुत हो गया, मगर दिखाऊंगा आप आइए, और 1 सेल्फी दिखाइए, एक सेल्फी आज की सेल्फी, ये रही देखो, ये सेल्फी, ये रही, वाह खुश हो गए। अबे तू कर लेता है, तू कर लेता है ये, आजा नीचे आजा, चिड़िया सा लग रहा साढ़े, चिड़िया सा लग रहा बिल्कुल चिड़िया, सुक्का सा है, हाँ सूखी चिड़िया जैसे चढ़ गई है ऊपर। देखते हो तुझे पता है यहाँ पे बारबेल भी है, ये वाला कोई तो वेट खाने का है। हाँ ये वेट खाने का है, ये क्या डर भाई कर,
ये इसलिए लगा रखा है जिससे कोई रोड ना ले जाए। अब देख तू मुझे शोल्डर के लिए है ये। यही है किलो। आ जाओ अब यहाँ चलते हैं, इधर को आ जाइए। ये है अखंड ज्योति, अमर ज्योति जो भी है। ये 24/7 चलती रहती है, देखिए आप। बिल्कुल भाई, आया कभी यहाँ? नहीं, आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे और काफी अच्छी जगह है। आपको भी गाइस आना चाहिए यहाँ पे। ये बता देता है कहाँ पर है, जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिस है उसके सामने ही है, जस्ट शहीदों को नमन। और इसके पीछे रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान के जस्ट पीछे की तरफ। देखिए शहीदों को नमन, ये है शहीदों को नमन। काफी बड़ा एरिया है अभी। और सर आ गए हम, चप्पल उतार के आए। देखो भाई ये फाउंटेन, हमारे वीर मंगल पांडे, ब्राह्मण मंगल पांडे, ब्राह्मण मंगल पांडे आ चुका है। उन्हें हम अपनी ताकत का अंदाजा दें, अब होगा गाइस। ये देखिए ये ऑडियंस के लिए बना रखा है, यहाँ पे बैठ के है ये हमारे पुराने इतिहास की पिक्चर देखते हैं। अगुवाई में क्रांति दल का गठन स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध एक राजनीतिक संग्राम का संकेत था। इस क्रांति दल के नेता हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों को साथ मिलाकर एक सामूहिक और राजनीतिक क्रांति की योजना बना रहे थे। कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे ऐसा ज्ञात होता है कि पेशवा नाना साहिब ने कानपुर ही नहीं वरन पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करके उन्हें भारत भूमि से बाहर खदेड़ने का आह्वान किया था। कर्नाटक के कई स्थानों से मिली उनके उर्दू अभिलेख की प्रतियां इसी तथ्य की स्थापना करती हैं। पर इस क्रांति योजना को सर आम जनता के साथ जोड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य था। ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे इस धारणा को बल मिलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने न सिर्फ सामाजिक तौर पर लोगों को संगठित किया बल्कि अपने सर से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम के लिए परिणत करवा। मंगल पांडे देखिए, वीर मंगल पांडे, इनके बारे में आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए। ये रहा वीर मंगल पांडे की मूर्ति का अनावरण, माननीय डॉक्टर विष्णुकांत सर। वीर मंगल पांडे मेरठ से ही थे। यस, अरे हमारा अर्पित भी मेरठ से ही है। ये न्यू स्टैचू है, ये अभी इसका हटाया नहीं गया है, बंदूक है पर जैसी हटेगी पच जाएगा। देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। काफी अच्छी प्लेस है गाइस, आपको यहाँ पर आना चाहिए और अपने बच्चों को भी लेकर आना चाहिए। काफी नॉलेज मिलेगी आपको यहाँ से आके, काफी नॉलेजेबल प्लेस है। हमारे मेरठ के इतिहास की सबसे ज्यादा नॉलेजेबल प्लेस अगर कोई है तो फिर वो यही है। यहाँ से हमारा इतिहास पूरा कवर अप होता है कि कैसे कैसे आजादी मेरठ से शुरू हुई
दरअसल आज़ादी शुरू ही मेरठ से हुई थी। मेरठ के अंदर एक मंदिर है ओगड़नाथ मंदिर, वहाँ से आज़ादी शुरू हुई थी। क्यों भाई बताता क्यों नहीं? बिल्कुल भाई, अब ये देख देख रहा है भाई फौजी को, बर्फ में जमा होने के बाद भी ये वो नहीं है, ये आपको दिखाता है एक क्या कहते हैं उसको, वीरता। वीरता नहीं, आपको दिखाता है कि आप किसी भी कंडीशन में हो अपने आप को इस केबल मतलब इस वो रखो कि आप अपने आप को स्वयं उन चीजों से निकाल सको। पर ये देखो, ये आपको वो दिखाते हैं फोटो में, ये देखो बर्फ में जमा हुआ है फौजी, पर फिर भी हाथ से चक्कू नहीं छूट रहा ना बंदूक छूट रही, अभी भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार है। तो गाइस आपको अगर ये वीजियम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नई नई प्लेसेस ऐसे ही देखते रहो।